फ्रेंड्स, मैं शकुंतला, ग्रीन ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट बता रही हूँ, औषधि वाले, जिन्हें आप छत पर लगा सकते हैं और आसानी से हमारे ही छत पर गमलों में ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये पीपल का है और इसके महत्व के बारे में, इसके गुणों के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। मैं बाद में इसकी डिटेल बताऊँगी, लेकिन ये बहुत ही शुद्ध हवा देने वाला प्लांट है। फ्रेंड्स, ये अशोक का है और अशोक का भी जो ट्री है वो भी आप गमले में बहुत ही अच्छी तरह आसानी से लगा सकते हैं और ये भी बहुत ही जो है औषधि वाला गुण वाला प्लांट है। देखिए, ये बेलपत्र है और बेलपत्र को भी आप जो है गमले पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मेरे ये छोटे हैं इसलिए मैंने छोटे पॉट में लगाया है, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें 20-25 इंच वाले पॉट पर लगा दूँगी। फ्रेंड्स, ये चौथा प्लांट है मेरा निरगुंडी का है और ये वातनाशक भी है, पित्तनाशक भी है, इसके बहुत ही अच्छे औषधि गुण हैं, इसलिए इसे भी आप अपने गमले पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सतावर है और सतावर भी बहुत ही अच्छा औषधि वाला प्लांट है, इसे भी आप देखिए गमले पर ही लगा सकते हैं। अभी मैंने छोटे गमले पर ही लगाया है और इसके रूट्स ज़्यादा नहीं होती, इसलिए आप छोटे गमले पर ही इसको लगा सकते हैं। फिर भी 8-10 इंच वाले गमले पर आप इसे लगाएं और ये जो है बहुत ही शक्तिवर्धक चूर्ण इसका तैयार होता है, इसलिए आप इसे घर पर ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, ये सदाबहार है और सदाबहार जैसे कि इसके नाम से ही है कि ये जो है हमेशा ही परमानेंट प्लांट है, हमेशा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ये भी बहुत ही अच्छा औषधि वाला पौधा है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये बहुत ही अमृत वाला है। इसके यदि फूल दो फूल डेली खाएं तो आपको डायबिटीज़ से निजात मिल सकती है। दोस्तों, ये बरगद का प्लांट है और ये देखिए मैंने इसे बोनसाई भी बना के रखा है और ये भी बहुत ही अच्छा औषधि गुण वाला पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है, तो इसका भी बहुत महत्व है, इसे भी आप गमले पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये कनेर का पीला वाला प्लांट है और पीला वाला फ्लावरिंग होती है इसकी, तो दोस्तों इसको भी आप जो है घर पर लगाएं, ये भी औषधि युक्त होता है, ये हमारे बालों के लिए और बहुत सारे दर्दनाशक के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, ये पारिजात है, अपराजिता है सॉरी, और अपराजिता का ये वाइट कलर वाला फ्लावर है और ब्लू भी होता है, नीले कलर का भी होता है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है सफ़ेद पुष्प वाला ये पौधा औषधि से भरपूर है, इसलिए इसे भी आप, ये लता वाला है इसलिए इसे भी आप अपने छोटे से पॉट पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये उमर का है जिसे गुलर भी प्लांट कहते हैं और इसे भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं, बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसको आप बड़े गमले पर लगाएं तो भी इसके बेनिफिट्स हैं, इसलिए ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इसे आप छत पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दंतवटी है और पायरिया और दांतों के रोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, इसका आयुर्वेद में अलग ही स्थान है, इसे आप गमले पर लगाएं, छत पर आसानी से ये उग जाता है। दोस्तों, ये हरशिंगार का है और इसका भी आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसे भी आप गमले पर लगा सकते हैं। इसके फूल जो है बहुत ही अच्छी औषधि होती है और देखिए इसको भी मैंने गमले पर ही ग्रो किया है, इसलिए आप इसे अपने छत पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये मुनगा का प्लांट है और सहजन फली बोलते हैं इसको और इसका जो प्लांट है ये भी बड़ा होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी जो जो इसके फ्रूट होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं और कुपोषक बच्चों को यदि इसकी पत्तियों का को रोटी बनाकर, पत्तियों आटे में मिलाकर यदि इसकी रोटी बनाते हैं पत्तियों को, तो ये बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए आप इसे अपने गार्डन पर एज अ मेडिसिनल प्लांट के रूप में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, ये तुलसी है और तुलसी की कई वैरायटी आती हैं, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी,
लेकिन तुलसी का अलग ही महत्व है, पौराणिक महत्व भी है दोस्तों, और इसका मेडिसिनल यूज़ भी है। सर्दी जुखाम में ये हमारे बहुत काम आती है फ्रेंड्स। इसका जो अर्क है वो इस समय कोरोना से हमें बचा सकता है, इसलिए आप इसे अपने घर पर ज़रूर लगाएं। दोस्तों ये तो आप देख पा रहे होंगे, ये घृत कुमारी एलोवेरा है और इसका औषधि में कई प्रकार से उपयोग में आता है, आपके फेस जो फेस में चेहरे पर लगाने के लिए जेल जेल के रूप में, और पेट के लिए तो ये रामबाण है, इसलिए इसे आप घर पर ज़रूर लगाएं और ये कंटेनर पर भी बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स ये पपीता है और ये भी औषधि वाला ही पौधा है, क्योंकि माना जाता है कि इसकी जो ये जो लीव्स होती हैं, यदि आपकी प्लेट्स कम हो गई हैं, ब्लड में प्लेट काउंटिंग कम है, तो आपके प्लेट्स को बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध हो सकता है, इसलिए आप इसको ज़रूर अपने बगिया में छत पर इसको शामिल करें। देखिए ये किस तरह से मैंने कंटेनर में लगाया है और ये अपने फ्लावरिंग पर है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे मैंने मेडिसिनल प्लांट आपको बताए और इनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आऊँगी, इसलिए मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।